My dear students, today we will continue hard, soft, acid, base topic. Today we will discuss here about the theoretical concept on behind the hard and soft concept. हार्ड से सॉफ्ट सॉफ्ट से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, क्या पहले बताया था एक कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो दिस इज नॉट एक सिद्धांत, एक सिद्धांत नहीं है ये, रिलेटिविटी पर डिपेंड करता है, इसको देख लिया अपने। और हमें एक चीज और बताना चाह रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से जो है हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आकार, यदि उसका आकार छोटा है या बड़ा है, या फिर उसका डी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जो है डी ऑर्बिटल ज़्यादा मात्रा में है तो मृदु होंगे, आकार छोटा है उसका पोलराइजेशन ध्रुवण कम होता है तो वो कठोर की श्रेणी में आता है। लेकिन कल इससे पहले वाली क्लास में आपने देखा था कि वहाँ पे जो है वो उसके साथ में प्रतिस्थापी कौन सा जुड़ा हुआ है, वो प्रतिस्थापी उसको बता रहा है कि वो अम्लीय प्रकृति को शो करेगा या फिर सारी प्रकृति को शो करेगा। कल हमने इस चीज के बारे में अच्छे से बात कर ली थी, इस बोरोन BF3 और BH3 के बारे में। BF3 F बोरोन के साथ F चेंज होते क्या बन गया, कठोर अम्ल बन गया था, और बोरोन के साथ में H चेंज होते क्या बन गया था बताइए, मृदु अम्ल बन गया था। अंतर आज पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कठोरता तथा मृदुता का सैद्धांतिक आधार क्या है। चलो हमने उसको प्रैक्टिकली रूप से खूब देख लिया कि ये अम्लीय है, और उसको जो है हमने प्रायोगिक रूप से भी खूब सारी चीज़ें देख ली, और हमने ये बता दिया कि कठोर कठोर के साथ में साइज के हिसाब से वो चीज़ें होंगी तो पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन सैद्धांतिक आधार क्या है कि क्या कारण है कि कठोर कठोर के साथ ही स्ट्रॉन्ग बोन बनाता है, मृदु मृदु के साथ ही स्ट्रॉन्ग बोन बनाता है, और जो बंद बनने वाला है वो बंद आयनिक होगा या सहसंयोजक होगा। दिस इज द आयनिक बॉन्ड, इट मे बी कोवलेंट बॉन्ड, हाउ कैन इट इंटरप्रिटेट बाय द यूज ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। यानी उसका सैद्धांतिक आधार क्या है कि कठोर कठोर जो बॉन्ड है उसमें कौन सा बंद बन रहा है, कौन सी ऊर्जा उसके अंदर शामिल हो रही है, और कितना जो है मजबूत बॉन्ड बनेगा, और उस मजबूत बॉन्ड बनता है तो उसका प्रायोगिक की वजह से या फिर प्रायोगिक की बजाय सैद्धांतिक आधार क्या है, उस सैद्धांतिक आधार को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे उस चीज के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सैद्धांतिक आधार में बताया गया कि ये एक दिलचस्प बात है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट व्हाट इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बिहाइंड हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये बताया गया कि अगर कठोर कठोर के नीचे बंद बनता है तो वो आयनिक प्रकृति का होगा, ऐसा होगा आयनिक प्रकृति का होगा, आयनिक बंद का निर्माण करता है। और इसको हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि वो जैसे कि लिथियम है, लिथियम ने OH के साथ में रिएक्शन कराई तो LiOH बन गया, क्या बन गया LiOH बन गया। LiOH क्या है, आयनिक प्रकृति का बॉन्ड है, क्योंकि हम आयनिक प्रकृति इसलिए देख रहे हैं कि S ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो S ब्लॉक के एलिमेंट सारे के सारे आपने उससे पहले वाले जो जो पियर्सन था उस पियर्सन ने सारे बता दिए कि सारे सारे इसके अंदर सारे क्या होंगे, कठोर सार प्रकृति के होंगे, कठोर अम्लीय प्रकृति के होंगे, जितने भी S ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी मृदु सारे मृद धातु के और स्टार्टिंग के निम्न संक्रमण धातु के जो आते हैं वो सारे सारे क्या है, सारे सारे कठोर अम्ल की श्रेणी में रख दिए गए, और कठोर अम्ल की श्रेणी में रख दिए गए हैं। तो ये जितने भी जो है ये है कि सब दूसरे जो कठोर सार के साथ क्या बंध बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बंध का निर्माण करते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्थिर क्या, स्थिर वैद्युत वैद्युत आकर्षण आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, उनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, और स्थिर विद्युत आकर्षण जो है वो बोलते आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन।
में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा हो, ये चीज कॉन्सेप्ट निकल के आया। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के ये आया कि यदि स्थिर विद्युत आकर्षण अधिक है, यानी स्थिर विद्युत ऊर्जा जिसे हम ऊर्जा और नाम देते हैं मॉडलिंग ऊर्जा, मॉडलिंग क्या बोलते हैं, मेडलिंग एनर्जी, स्थिर विद्युत आकर्षण तो है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलम ऊर्जा का नाम भी देते हैं। तो मेडुलम ऊर्जा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विद्युत परमाणु पाती है किसकी, परमाणु त्रिज्या है, जैसे परमाणु दूरी के जो तो दो परमाणु दूरी है, इनके परमाणु दूरी के बीच में जो बात कर रहे हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन जो है, इनके बीच अंतर परमाणु दूरी जो है OH के बीच में, ये दूरी इतनी कम होगी, ये दूरी इतनी कम होगी उतना ही वो आयनी प्रकृति का बताया गया। तो इस प्रकार से परमाणु अंतर परमाणु ऊर्जा दूरी इतनी कम होती है वो क्या होता है, आयनी प्रकृति का होता है। तो ये देखने को पहुंचा निकल के आया कि आयनी बल बनाते हैं वो कठोर अम्लसार होते हैं, जिनमें आयनी कॉन्सेप्ट ज्यादा होगा, आयनी गुण ज्यादा होता है, वो सारे के सारे कठोर सार के श्रेणी में आए, इसे धर्मी कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा क्या बताया, दूसरा ये बताया कि सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट तो हो गया, अंतिक्रिया भी होगी, कठोर अम्लसारों के मध्य आकर्षण जो है वो ज्यादा होता है क्योंकि उनकी विद्युत दूरी कम हो जाती है, सैद्धांतिक हो गया। फिर यदि अगर ये कठोर कठोर है तो मृदु मृदु के लिए क्या कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, मृदु मृदु जो अम्लसार है उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, उनके लिए कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि जिनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, ठीक है, या फिर वो जो है उनका ध्रुवण अधिक से अधिक हो रहा है, ठीक है, तो उनका ध्रुवण अधिक होगा तो हमने जो है वो फेजल्स रूल, जिससे पहले स्टूडेंट पूछा था, फेजल्स रूल अगर उस पर लागू हो जाएगा, फेजल्स नियम लागू हो जाएगा, तो जिसका ध्रुवण अधिक होता है वो सहसंयोजक प्रकृति के हो जाते हैं, उनमें आयनी गुण के बजाय सहसंयोजक गुण ज्यादा देखने को मिलते हैं, और सहसंयोजक गुण जितने ज्यादा होंगे, ठीक है ना, वो उसके अंदर जो है सहसंयोजक ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, और वो प्रकृति जो है वो जो बंध है वो सहसंयोजक बंध कहलाएगा, कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। इट इज नोटेड दैट इफ द पोलराइजेशन इज हायर देन इट इज बाउंड गोज टुवर्ड्स कोवलेंट बॉन्डिंग नेचर, वो कोवलेंट बॉन्डिंग नेचर की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट जो है हमारे यहां पर देखने को मिला कि सहसंयोजक बंध प्रकृति होगी तो वो मृदु अम्ल सार को कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो मृदु अम्ल सार को दर्शाता है, उस गुण को रखता है, और उस गुण को रखेगा। तो इस प्रकार से हमारे दो कॉन्सेप्ट निकल के आए, सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट कि यदि कठोर होगा, कठोर अम्ल सार होगा तो वो आयनी बंध को रखता है, यदि वो मृदु सार अम्ल और सार है तो वो सहसंयोजक प्रकृति को दर्शाता है, उसका तो सहसंयोजक ऊर्जा पाएगा। ठीक है, इसी समझ में आई आपके, इसके बाद आगे चलिए। फिर आगे इसके बाद में एक सूत्र दिया गया, एक फॉर्मूला इसके लिए जनरेट किया गया, उस फॉर्मूले को हम बताता हूँ आपको, उस फॉर्मूले को लेकर चले, उस फॉर्मूले के साथ में इसको कोलरेट किया गया कि मियंस ने एम आई साइंटिस्ट था, इसके जो को वर्कर्स ने एंड इट्स को वर्कर्स, आपके मिशंस और इट्स कोवर्कर्स ने मिलकर के इस आयनिक और सहसंयोजक प्रकृति को बताने के लिए एक फॉर्मूला इजाद किया, एक फॉर्मूला बताया, वो क्या है कि कठोर अंत्यक्रिया या को आयनिक का मृदु अंत्यक्रिया को सहसंयोजक प्रकृति का या मानते हुए मिशंस तथा इट्स कोवर्कर्स ने, उसके साथियों ने 1967 में एक संबंध स्थापित किया। संबंध क्या है, पी आपने मैंने पीडीएफ भेजा हुआ, पढ़ा हुआ, ठीक है ना, पी के इजिकल टू आपका लॉग के इजिकल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक इन्होंने सूत्र स्थापित किया, एक संबंध स्थापित किया। इस संबंध स्थापित में ये बताया गया कि के यहाँ पे क्या है, के यहाँ पे जो है हमारा, दैट इज के
इक्वल टू साम्य अवस्था स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक, ठीक है। और धातु लिगंडों में वियोजन के लिए बताता है, धातु लिगंडों में जो धातु और लिगंड के जो संकुल का निर्माण होता है उसको वियोजित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे के से लोड करते हैं, ठीक है। इस तरह धातु लिगंड संकुल के वियोजन के लिए है, काम में आता है। वेयर इज एक्स एंड वाई क्या है, धातु आयन का पैरामीटर्स, द पैरामीटर्स ऑफ धातु आयन, धातु आयनों का प्राचल या फिर पैरामीटर्स, पैरामीटर्स है एक्स और वाई धातु का आयनों का जो है प्राचाल है यानी पैरामीटर्स है। और ए और बी यहाँ पे जो है लिगेंड के बारे में बता रहे हैं, वो लिगेंड जो है उस लिगेंड आयनों के, आयनों के क्या है पैरामीटर्स हैं। तो इस प्रकार से इन सभी को यहाँ पर रख करके इस पी के की वैल्यू निकाली, और निकालने के बाद में हमारे पास एक टेबल तैयार होती है, वो टेबल मैंने उसमें बता रखी है पीडीएफ में, उसके बारे में बताते हैं। यहाँ निकालने के बाद में यहाँ पे सी क्या है, सी इज द एक लिगेंड है जो कि इसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू को सामंजस्य स्थापित करता है कि जो कि पी के मान के सामंजस्य करता है, जिससे कि सभी एक ही पैमाने में हमें प्राप्त हो सके। ये क्या एक प्रकार का कॉन्स्टेंट है, एक प्रकार का निर्धारक है जो सामंजस्य स्थापित करता है कि सभी एक ही पैमाने के अंदर, एक ही पैरामीटर के अंदर हमारे सारे के सारे जो है इसकी वैल्यूज आ सके। इसके लिए यूज में क्या आता है, प्राचल वायु जो है, वायु के बारे में बात करें, वायु मृदुता को सूचित करता है, ये मृदु है उसको सूचित करता है। इसका मान परमाणुओं के प्राचार के ज्ञात किया जा सकता है। कठोर अम्लों के लिए देखिए, कठोर अम्ल होगा तो पी के ए इक्वल टू होगा कठोर अम्ल के लिए, कठोर अम्ल, कठोर अम्ल के लिए जो मान है वाई का मान क्या आता है वो देखिए, वाई क्या है पैरामीटर्स है, कठोर अम्ल के लिए वाई इक्वल टू होगा 2.5 पैरामीटर में, 2.5 या फिर इसकी रेंज 2.88 से कम रहती है, कम आती होगी। लेकिन यदि ये कठोर की जगह मृदु अम्ल है तो उसकी वाई की वैल्यू जो है वो हो जाती है हमारी 3.2 से अधिक। इस प्रकार से इनकी वैल्यू अगर हम सपोर्ट करते हैं, इनके पैरामीटर की वैल्यू सपोर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आती है, और पी के ए की वैल्यू निकलने पर हम ये कह सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा पावरफुल, कितना ज़्यादा आपका कठोर मधु और कॉन्सेप्ट को निकल कर देखने के लिए आता है, कितना ज़्यादा कठोर अम्ल है या कितना ज़्यादा कठोर सार है वो देखने को हमें मिलता है। तो दो चीज़ें देखने को मिली, क्या कि कठोर हुआ, कठोर कठोर के बीच आयनिक बॉन्ड और उसके बीच में मृदु मधु के बीच सह संयोजक बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम एक टेबल को देख सकते हैं, इससे रिलेटेड टेबल क्या है तो देख लेते हैं, ठीक है देखते हैं। तो टेबल पैमाने की टेबल निकल के आती है, थोड़ा सा इसको टेबल के बारे में इसको रिलेट कर लेते हैं, क्या करते हैं थोड़ा समझने की कोशिश, थोर्टिकल कॉन्सेप्ट है वो, थोर्टिकल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप निकल के आ जाएगा। कठोर की जगह दो तीन एग्जाम्पल होता बस, कठोर अम्ल यदि है तो जैसे एल एल प्लस है और ए एल थ्री प्लस है, इसकी वैल्यू जो है 0.6 पैरामीटर के रूप में, 0.7 जो है वाई की वैल्यू चल रही है। इसी प्रकार से एन ए प्लस है उसकी वैल्यू यहाँ पर रखी गई 0.93, और उसके बाद मृदु कठोर की जगह मृदु मृदु अम्ल आ गया तो मृदु अम्ल की वैल्यू यहाँ पर रखी गई है। यदि हमारे पास मृदु अम्ल एस एन टू प्लस है और थेलस थेलिक के लिए 2.3 और इसके 3.17 और इस तरह से स्कोपर प्लस के लिए आप वैल्यू की 3.45, ये सारी की सारी वैल्यू कठोर होगा तो इस प्रकार से है, मृदु होगा तो इस प्रकार से, इस प्रकार से वैल्यू रखकर ये कॉन्सेप्ट, एक सैद्धांतिक चीज़ें देखने को मिली।
और इस सैद्धांतिक चीजें में बताया गया कि जो a और x ये वैल्यू देखने के बाद में इनके रिलेटेड में pk की वैल्यू निकाली जाती है और pk की वैल्यू निकाल करके हमें चीजें देखनी पड़ेगी किस प्रकार से क्या चीजें आती है। और इसी प्रकार a और x जो है ये हमारा लिगेंड है तो a और x जो है हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता के बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बारे में विद्युतता के बारे में बताता है और धातु आयन की विद्युतता संबंध रखता है और x जो है यहाँ पे धातु आयन की विद्युतता संबंध रखता है धातु आयन से रिलेटेड विद्युतता और a जो है लिगेंड से रिलेटेड विद्युतता के बारे में बताता है। ठीक है तो ये विद्युतता जो है यहाँ पे तो उसके पैरामीटर इस प्रकार से है और विद्युतता जिसमें ज्यादा होती है यानी जिन लिगेंडों में या जिन संकुलों में जैसे विद्युतता का अंतर जितना ज्यादा होगा उतना ही वो क्या होता है आयनिक। ये चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि क्या बताया मैंने कि जिन लिगेंडों में ये सब चीजें थ्योरेटिकल है तो यहाँ से यहाँ का रिजल्ट क्या निकल के आया कि कठोर होंगे वो सारे सारे आयनिक होंगे और जो मृदु मृदु होंगे वो सारे सारे क्या अवश्य से बनवाते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आ रहा है और एक्स से विद्युतता के बारे में बता रहा है कि यदि धातु के मैटर और लिगेंड के बीच में इस प्रकार विद्युतता का अंतर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होता है वो आयनिक बंध बनाता है। ठीक है वो क्या बनाता है वो आयनिक बंध का निर्माण करता है। ये चीजें सामने दिख रही थी कि विद्युतता का अंतर जितना ज्यादा होगा उतना आयनिक होगा विद्युतता का अंतर जितना कम होगा वो आयनिक नहीं होगा। ठीक है ये चीजें बता दें हमने कभी लेकिन बाद में ये चीजें जो है वो गलत मानी गई उसको हम अगले उसका कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। एक बात तो ये दूसरी बात देखिए दूसरा चीज और देख लेते हैं थोड़ा सा इसी चीज में कि कठोरता मृदुता सैद्धांतिक में चीज और एक और चीज अपन सामने ले लेते हैं। ये तो ही बात कठोर की अब बात करते हैं अपन क्या मृदु की। मृदु क्या होते हैं कि मृदुता में ये बताया मृदु अम्ल के लिए बोला गया कि इनका डी ऑर्बिटल में जिसके डी जो ऑर्बिटल्स हैं या फिर डी कक्षक हैं उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अगर ज्यादा होते हैं तो वह आयनिक सहज में बंध बनाएंगे साथ में एक नया बंध का निर्माण करते हैं पश्य बंध का निर्माण करते हैं पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो ये पाई बंध का कॉन्सेप्ट जो बाहर निकल के आया कि पाई बंध की और ज्यादा होंगे जो इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा होगी तो पाई बॉन्ड्स या बंध का बंध बनाते हैं तो पाई बंध बनाएंगे तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर सह संयोजक प्रकृति आ जाएगी और वो सह संयोजक बंध बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो लिगेंड या फिर जो मर्दा अम्ल जो मृदु अम्ल पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखते हैं पाई बॉन्ड बनाते हैं लिगेंड के साथ में वो सभी के सभी आपके मृदु अम्ल कहलाएंगे और उनके अंदर सह संयोजक गुण होगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए अगर हमारे पास CO है कार्बन ऑक्साइड है अगर मेटल के साथ में देखते हैं मेटल और कोबाल्ट में मिश्रण कराते हैं मान लीजिए 5 है जिस प्रकार से MCO5 निकल के आया तो ये क्या करते हैं आपस में MCO5 आपके पास है और इस प्रकार से और दोनों ट्वाइस के रूप में देखिए मिल जाता है M इस पर तो यदि M रखते हैं या फिर कुछ और रखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कोबाल्ट और कार्बन ऑक्साइड और मेटल के बीच में एक प्रकार का पश्चे बंध एक प्रकार का बैक बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। इस बैक बॉन्डिंग के कारण अभी तो ये बंध बनता है लेकिन बैक बॉन्डिंग रहती है इधर से इधर जो है इसके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर करते हैं और करने के बाद इसे बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे आपका क्या आया था कोई चार्ज आया था कोई इसमें दे दिया है तो वो चीज इसमें कोटेड कर देते हैं एम डबल बॉन्ड सी और सी। ठीक है इधर से इलेक्ट्रॉन देगा और वापस इधर से दे देता है तो इस प्रकार से निकल के आ गया हमारे पास एम डबल बॉन्ड एम बन जाता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार से ये जो धातु होगा वो धातु जो है हमारा क्या होता अम्ल मृदु अम्ल प्रकृति का होगा
वो एक सॉफ्ट एसिड है। इस प्रकार से सब कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आया कि यदि उनके बीच में आयनिक बंध है तो स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण वो जो कठोर कठोर जो होते हैं वो आयनिक बंध बनाते हैं, जबकि मृदु मृदु के बीच में मृदु अम्ल और क्षार के बीच में सहसुलभ बंध होता है और सहसुलभ बंध जब बनता है जब विद्युत का अंतर कम होता है तो विद्युत का अंतर ज्यादा होगा, विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा होगा उतना ही आयनिक बंध बनेगा और वो कठोर कठोर के कॉन्सेप्ट में निकल के आता है। तीसरी चौथी चीज देखेंगे पाई बॉन्ड कहीं बनता है तो पाई बॉन्ड कॉन्सेप्ट जहां बनता है यानी जिसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और पाई बॉन्ड बनने के बाद में वो जो अम्ल है या वो जो अम्ल होंगे वो सारे सारे मृदु अम्ल की श्रेणी में आएंगे या वो धातुएं सारे सारे मृदु अम्ल की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो है कौन कौन से लिगेंड PR PCH3 CO और I- ये जो लिगेंड्स है ये I- है ये है सब क्या है पस्से बंध का बैक बॉन्डिंग का प्रोसेस करते हैं क्योंकि पोलराइजेशन ज्यादा होता है इसके अंदर बैक बॉन्डिंग होती है और इसके अंदर भी जो है आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ये चीज समझ में आ गई, इस प्रकार से तीन चीजें निकल के आ गई वो आपको मैंने बता दी है। PDF भी आता है उसको भी आप पढ़ना और पढ़ करके आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और निकल के आ रहा है वो और बताता हूं मैं कि ये जरूरी नहीं है कि वो उसका आकार बड़ा होगा तो ही वह आपका मृदु अम्ल की श्रेणी में आता है। जैसे कि तो ये नाइट्रोजन फॉस्फोर ऑर्सेनिक तो स्टिल भी नहीं है तो ये देखने को मिला कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस से संबंधित जितने भी होते हैं वो ज्यादा बैक बॉन्डिंग में काम आते हैं जिसकी ये एग्जांपल ले लिया ये आपको मृदु श्रेणी में आएंगे लेकिन इनका आकार बड़ा होने के कारण ये कोई मृदु श्रेणी में नहीं आते। यानी आकार का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आकार कॉन्सेप्ट केवल केवल अपने इसके अंदर आएगा हैलोजन फैमिली में आएगा। आकार ऊपर से जाने में आकार बढ़ता है तो ये मतलब नहीं है कि ऊपर से जाने में उसकी मृदुता भी बढ़ेगी, उसकी सॉफ्टनेस नहीं बढ़ती है। सॉफ्टनेस कॉन्सेप्ट ये है कि यदि उसकी नेचर इस प्रकार की, उसमें इलेक्ट्रॉन देने की पावर इस प्रकार की है उनके बीच संपार्श्विक अतिव्यापन, संपार्श्विक अतिव्यापन पाई बॉन्ड बनाने के लिए बैक बॉन्डिंग करने के लिए कोवलेटरल ओवरलैपिंग कितनी अच्छी हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो है फॉस्फोरस ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है बैक बॉन्डिंग करता है इसलिए इसके जो लिगेंड होंगे वो बैटर के साथ में क्या बनाएंगे सारे जो है मृदु अम्ल की श्रेणी में आएंगे और एक संकुल का निर्माण करते हैं मृदु मृदु संकुल का ही निर्माण करेंगे। इसी तरह से जो है इससे पहले क्या आता है आपका देख लीजिए तो ये जो ऑक्सीजन और सल्फर आ गए तो सल्फर से रिलेटेड जितने भी है फॉस्फोरस से रिलेटेड भी दोनों ही जो है सॉफ्ट लिगेंड का या फिर पोलराइजेशन लिगेंड सॉफ्ट लिगेंड का फॉर्मेशन करते हैं और सॉफ्ट लिगेंड बनने के कारण ये सॉफ्ट संकुल का निर्माण करते हैं और इनके साथ में संकुल का निर्माण होगा वो सारे सारे संकुल मृदु मृदु के रूप में सॉफ्ट सॉफ्ट संकुलों का निर्माण करते हैं। यानी लिगेंड ऊपर से जाने पर आकार बढ़ता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सॉफ्ट ही होगा, वो डिपेंड करता है कि वो उसका बैक बॉन्डिंग के रूप में पस्से बंध के रूप में कितनी ज्यादा संपार्श्विक अतिव्यापन अच्छा हो रहा है, कितना नजदीक वो आपस में आ रहा है। ठीक है, वो नजदीक कैसे आएगा कि ऑर्बिटल कि 2p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल ज्यादा नजदीक है बजाय 2p के 3p ऑर्बिटल के। ओके, तो इस प्रकार से जो है ये सैद्धांतिक कांसेप्ट निकल के आया कि आयनिक होंगे तो कठोर कठोर, सहसूचक होंगे तो मृदु मृदु होंगे, बैक बॉन्डिंग होंगे तो मृदु मृदु अम्ल होंगे, अम्ल और क्षार होंगे और उनके विद्युतता का अंतर जितना ज्यादा होगा तो वो भी कठोर कठोर अम्ल और क्षार की श्रेणी में आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।